सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यदि आप एडवेंचर ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो रुपकुंड झील आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। रुपकुंड झील हिमालय के ग्लेशियरों की गर्मियों में पिघलने से उत्तराखंड के पहाड़ों में बनने वाली छोटी सी झील है। ये झील 5029 मीटर 16499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ के ग्लेशियर हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद दुर्गम है, इसलिए यह जगह एडवेंचर ट्रैकिंग करने वालों की पसंदीदा जगह है। ये झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण काफी चर्चित है। यहाँ पर गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ ही कहीं पर भी नरकंकाल दिखाई देना आम बात है। यहाँ तक कि झील के अंदर देखने पर भी तलहटी में भी नरकंकाल पड़े दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नरकंकाल 1942 में क्रेजरच के माडवल द्वारा खोज गया था। तब से अब तक यहाँ पर सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं, जिसमें हर उम्र वाले के कंकाल शामिल हैं। यहाँ पर नेशनल जियोग्राफिक टीम द्वारा भी एक अभियान चलाया गया था, जिसमें उन्हें 30 से ज्यादा नरकंकाल मिले थे। यहाँ पर इतने सारे नरकंकाल आए कैसे, इसके बारे में 3 अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। ओलों की एक भयंकर बारिश 1942 में हुए एक रिसर्च से हड्डियों के इस राज पर थोड़ी रोशनी पड़ सकती है। रिसर्च के अनुसार ट्रेकर्स का एक ग्रुप यहाँ हुई ओलावृष्टि में फंस गया, जिसमें सभी की अचानक और दर्दनाक मौत हो गई। हड्डियों के एक्सरे और अन्य टेस्ट में पाया गया कि हड्डियों में दरारें पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि कम से कम क्रिकेट की बॉल के साइज के बराबर ओले रहे होंगे। वहाँ कम से कम 35 किमी तक कोई गांव नहीं था और सिर छुपाने की कोई जगह भी नहीं थी। आंकड़ों के आधार पर माना जा सकता है कि ये घटना ईसा पश्चात के आसपास की रही होगी। रास्ता भटकते सैनिक एक दूसरे के दंती के मुताबिक तिब्बत में 1841 में हुए युद्ध के दौरान सैनिकों का एक समूह इस मुश्किल रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वो रास्ता भटक रहे और खो गए और कभी मिले नहीं। हालांकि एक फिल्मी प्लॉट जैसा लगता है, पर यहाँ मिलने वाली हड्डियों के बारे में ये कथा भी खूब प्रचलित है। नंदा देवी का प्रकोप, अगर स्थानीय लोगों के माने तो उनके अनुसार एक बार एक राजा जिसका नाम जिसधवल था, नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला। उसको संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने को मना किया। जैसा कि तय था, इस तरह के जोर शोर और दिखावे वाले समारोह से देवी नाराज हो गई और सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा, उसकी रानी और आने वाली संतान को सभी के साथ खत्म कर दिया गया। मिले अवशेषों में कुछ चूड़ियां और अन्य गहने मिले, जिससे पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थीं। तो अगर आप सुपरनैचुरल और देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तो इस कहानी को मान सकते हैं। अपने साथ किसी स्थानीय व्यक्ति को ले जाइए और रात के समय ये कहानी उनसे सुनिए। आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा है सफर रुपकुंड झील तक का। इस मिस्टीरियस ले जाने के लिए लोहा जंग से रास्ता शुरू होता है, जो कि कर्णप्रयाग से 85 किमी की दूरी पर है। काठ गोदाम स्टेशन से लोहा जंग के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। ऋषिकेश से आ रहे हैं तो वहां से कर्णप्रयाग तक बस ले सकते हैं। कर्णप्रयाग से 4 से 5 घंटे में आप लोहा जंग पहुँच जाएंगे। रुपकुंड झील की तरफ लौट कर जंग ट्रेल को पकड़िए। नील गंगा नदी के पुराने पुल को पार करके करीब 3 घंटे तक जंगली पेड़ों के बीच ट्रेकिंग करनी होगी। आप जल्द ही एक वाटरफॉल के पास आ जाएंगे। आगे चलते जाएंगे तो राउंड बगात पहुँच कर डिडेना की चढ़ाई करनी होगी। पास के गांव को फॉलो करते रहिए और 2 घंटे में आप पे आसान जगह पहुँच जाएंगे, जहाँ आप आराम कर सकते हैं। अब आपकी अगली यात्रा डिडेना से बेनी बुग्याल की होगी। अली की तरफ से जाने वाला रास्ता छोटा पर थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है। यहाँ से बुग्याल पहुँचने में आपको 3 घंटे करीब लगेंगे। एक दूसरा रास्ता चुपलानी की तरफ से भी जाता है, पर वो लंबा है। यहाँ आप रात गुजार सकते हैं और अगली सुबह स्नो को फॉलो करते हुए चल पड़िए। जल्दी निकलने से आप भगवाबासा जल्द पहुँच जाएंगे, जहाँ आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। लोटानी से कालू विनायक की तरफ 4 घंटे की चढ़ाई के बाद गणेशा मंदिर पहुँच जाएंगे। आपके पास यहाँ रुकने का विकल्प है, या तो आप भगवाबासा में ठहर जाइए या हुनियाथल पर कैंप लगा लीजिए। यहाँ रातें काफी ठंडी होती हैं। सुबह 5 बजे आप रुपकुंड झील के अंतिम पड़ाव की ओर निकल पड़िए। बर्फ पिघलने से पहले शुरू हो जाइए। बर्फ काटने के लिए साथ में कुल्हाड़ी लेते जाइए। झील का पहला नजारा आपको जरूर मंत्रमुग्ध कर देगा। ये एक नीले रंग का बर्फीले शीशे जैसा दिखता है। बर्फ जमी होने पर भी इस पर चलने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपको यहाँ मिलने वाले हड्डियों की कहानियों से डर नहीं लगता है, तो यहाँ आप जब तक चाहे कैंप लगाकर आनंद ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।